इसीलिए अब जागने की जरूरत है। अगर तुम्हारे अंदर गूदा नहीं है, तुम्हारे अंदर दम नहीं है लड़ने का, खड़े होके बोलने का, तो कम से कम जो बोल रहा है उसका समर्थन करो, उसके बगल में खड़े हो जाओ, तब जाके तुम सुरक्षित बच पाओगे। वरना तुम्हारा अस्तित्व जैसे 57 देशों में मिट गया ना, उसी तरीके से भारत में। तुम्हें एक बात बता दूँ, ये जो हम हिंदू राष्ट्र बोलते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ संभावना नहीं है, वो एक संकल्प है। तुम्हारे अदनी मदनी पदनी, चाहे उनका बाप उनका दादा आ जाए, नहीं रुकने वाला हिंदू राष्ट्र। ये राम तेरी गंगा मैली पिक्चर आ जाती है तब कोई दिक्कत नहीं है, एंटरटेनमेंट है। पीके पिक्चर आ गया, एंटरटेनमेंट है। ओ माय गॉड पिक्चर आ गया जिसमें दूध चढ़ाने को गलत बता दिया, एंटरटेनमेंट है। सेक्सी राधा नाचेगी, ऐसे तमाम कितने सारे एग्जांपल दे दूँ, गाने निकलते हैं, वो सब एंटरटेनमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद सरतन से जुदा नारे ये लगाते हैं, बॉम्ब ये फोड़ते हैं, हम हिंदू मेजोरिटी होने के बावजूद भी रामनवमी पे हमारे पत्थरबाजी होती है, बहन बेटियों के साथ हमारे लव जिहाद होता है, कश्मीर से हम हिंदू ही भगाए जाते हैं, फिर भी इनका इस्लाम ही खतरे में आता है। मतलब सफ़र हम कर रहे हैं और ख़तरे में। कोरोना आया था ना भारत में, तब अदनी मदनी पदनी सब बैठ के घर में आराम से बिरयानी खा रहे थे, बाहर निकल के लोगों को खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना, दवाई पहुंचाना, मास्क बांटना, ये सब काम जो भी किया था बजरंग दल। और ये बजरंग दल को PFI से तुलना कर रहे हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये सबसे पहले तो यही गलत है। PFI मतलब होता है पाकिस्तान फंडेड इंडस्ट्री, जिसको पाकिस्तान से फंड मिलता है और उसके सो कॉल्ड वो फंड खाने वाले लोग हैं, PFI के पाले हुए गुर्गे हैं, मदनी जैसे लोग, उसके बाद ये साजिद रशीदी जैसे लोग, शोएब जमाई जैसे लोग, यही लोग हैं जो PFI का पैसा खा के और उसी के दम पे शाहीन बाग जैसा कांड करते हैं। वहाँ पे साल साल भर बंटवारा हुआ था, वो जाति धर्म के नाम पे हुआ था कि हिंदू के साथ हम मुसलमान नहीं रह सकते, इसीलिए हमें अपना अलग देश चाहिए जिसका नाम रख दिया गया सो कॉल्ड पाकिस्तान। तो जब वहाँ चले गए थे, और उसके अलावा भी बांग्लादेश तुमने ले लिया, ऐसे तरीके से 57 इस्लामिक देश बना लिया, जबकि 1400 साल पहले ही आए हो अभी तुम हमारे पुत्र हो, उसके बावजूद बाप ने तुम्हें 57 इस्लामिक देश दे दिया, तो तुम किस हक से भारत को ये बोल रहे हो कि हिंदू राष्ट्र कि मुस्लिम राष्ट्र की मांग, खालिस्तान की मांग करने वाले जो बयान दिए हैं हसन मदनी, वो आखिरकार गद्दार कैसे रहेंगे? देखो, पहली बात तो उनको ये बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो भारत देश का बंटवारा हुआ था वो जाति धर्म के नाम पे हुआ था कि हिंदू के साथ हम मुसलमान नहीं रह सकते, इसीलिए हमें अपना अलग देश चाहिए जिसका नाम रख दिया गया सो कॉल्ड पाकिस्तान। तो जब वहाँ चले गए थे, और उसके अलावा भी बांग्लादेश तुमने ले लिया, ऐसे तरीके से 57 इस्लामिक देश बना लिया, जबकि 1400 साल पहले ही आए हो अभी तुम हमारे पुत्र हो, उसके बावजूद बाप ने तुम्हें 57 इस्लामिक देश दे दिया, तो तुम किस हक से भारत को ये बोल रहे हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? दूसरी बात, ये वही मदनी जी है जो बोल रहे थे अल्लाह और ओम दोनों एक ही थे, तो उनको मैं बता देना चाहूँगा, बिल्कुल ओम से ही तुम्हारा ये जो अल्लाह जी आए थे ना, वो ओम के थ्रू ही आए थे, ठीक है, तो पहले तुम्हारा ये डाउट क्लियर कर दो। दूसरा, ये बोलते हैं कि बजरंग दल एक आतंकवादी संगठन है, इसी बजरंग दल की वजह से ही भारत अभी तक विकास नहीं कर पाया, 70 साल पहले अगर बैन हो गया होता तो भारत बर्बाद नहीं हुआ होता, यही इनका नारा ना। तो तुम्हारे बाप जो है ना अतीक अहमद जैसे, ये लोग जाके बोलते हैं कि सरतन से जुदा कर देंगे, या फिर कुरान की कसम खा के कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, सुसाइड वेस्ट पहन के कहीं उड़ गए, हम नहीं करते। और ये बजरंग दल को बैन करने वाले 800 साल इनके अब्बा जान आए थे मदनी के, 800 साल रहे, उसके बाद बावजूद हिंदू का अस्तित्व नहीं मिटा पाए। उसके बाद देख लीजिए, ये क्या बोलते हैं अपना, आए थे, ये भी आए थे अतीक अहमद जैसे लोग, गुंडे पाले पोषे, वो भी कुछ नहीं कर पाए, तो हिंदू कहीं नहीं जाने वाला। और बजरंग दल को बैन करने के लिए तो कांग्रेस की सोनिया, ये इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी, संजय गांधी सब सोच रहे थे ये बजरंग दल बैन कर दूँ, सब बैन हो गए, सबका अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन बजरंग दल उसी तरीके से विशालकाय तरीके से खड़ा है। तो किसी के बाप की औकात नहीं है कि बजरंग दल को बैन कर सके, बजरंग दल था, है और विश्व में रहेगा। कहा जा रहा है कि 70 साल पहले अगर बजरंग दल को बैन किया जाता तो शायद हमारा मुल्क बर्बाद नहीं होता, ये उनका बयान है। आपने ये बहुत डायलॉग, अब जब से कर्नाटक का जो चुनावी मुद्दा शुरू हुआ है तब से आपने बहुत बार ये सुना होगा, देश का बल बजरंग दल, सुना होगा आपने भी शायद। तो मैं बता दूं, सिर्फ देश का बल बजरंग दल ही नहीं, जिहादियों का हल बजरंग दल, कट्टरपंथियों का हल बजरंग दल, अलगाववादियों का हल बजरंग दल, अखंड हिंदू राष्ट्र का संकल्प बजरंग दल, विश्वगुरु का विकल्प बजरंग दल, तो ऐसे बजरंग दल को तुम बैन कर दोगे? कोई बजरंग दल बैन वैन नहीं होने वाला। और वैसे भी किसी भी संगठन को बैन करना वो केंद्र के हाथ में होता है, ना कि राज्य के हाथ में, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमलाबाजी है। और ये बजरंग दल को PFI से तुलना कर रहे हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये सबसे पहले तो यही गलत है। PFI मतलब होता है पाकिस्तान फंडेड इंडस्ट्री, जिसको पाकिस्तान से फंड मिलता है और उसके सो कॉल्ड वो फंड खाने वाले लोग हैं, PFI के पाले हुए गुर्गे हैं, मदनी जैसे लोग, उसके बाद ये साजिद रशीदी जैसे लोग, शोएब जमाई जैसे लोग, यही लोग हैं जो PFI का पैसा खा के और उसी के दम पे शाहीन बाग जैसा कांड करते हैं, वहाँ पे साल साल भर बैठ के बिरयानी खाते हैं, भारत की जनता को परेशान करने का काम करते हैं। और हमारा ये जब कोरोना आया था ना भारत में,
तब अदनी मदनी पदनी सब बैठ के घर में आराम से बिरयानी खा रहे थे। बाहर निकल के लोगों को खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना, दवाई पहुंचाना, मास्क बांटना, ये सब काम जो भी किया था बजरंग दल ने किया था। तो तुम ऐसे राष्ट्रवादी संगठन को बैन करने का सपना देख रहे हो? चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, ऐसे चाहे श्री राम दल हो, इन सब दलों के वजह से आज हमारा भारत सुरक्षित है, संरक्षित है। जो हिंदू 80 करोड़ बचा हुआ ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी दल के वजह से ही बचा हुआ है। अगर ये दल खत्म हो जाए तो मैं आपको आज गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, कल आप मैं सबको मजबूरन आके जामा मस्जिद पर नमाज पढ़नी पड़ेगी। जो कहीं ना कहीं ये जो बयान दिया गया, आखिरकार इतना बड़ा बयान देना, इतने हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत यहीं से आती है जो फंड आता है। हिम्मत हम जैसे हिंदुओं के वजह से आती है। हम सेक्युलरिज्म का चूरन खा के बैठे रहते हैं। हम जैसे हिंदू सो कॉल्ड सेक्युलर हिंदू होते ना, वही हिजड़ों के वजह से आता है इनके अंदर दम, क्योंकि कुछ करना है नहीं। अब जैसे हमारे धीरेंद्र शास्त्री जी, देवकी नंदन जी, ऐसे टाइगर राजा सिंह, नूपुर शर्मा, काजल हिंदुस्तानी जैसे लोग जब हमारे पक्ष में आवाज़ उठाते हैं तो हम कुछ नहीं करते, सिर्फ घर में बैठकर न्यूज़ देखते रहते हैं। और ये सब चीज़ इन कट्टरपंथियों जिहादियों को पता है कि कुछ नहीं होने वाला। भारत की जो हिंदू पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पीछे बैठेगी, आगे आके हमारा विरोध नहीं करेगी। उसी का ये परिणाम है जो ये लोग इतने खुले तरीके से बोल सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये राम तेरी गंगा मैली पिक्चर आ जाती है तब कोई दिक्कत नहीं है, एंटरटेनमेंट है। पीके पिक्चर आ गया, एंटरटेनमेंट है। ओ माय गॉड पिक्चर आ गया जिसमें दूध चढ़ाने को गलत बता दिया, एंटरटेनमेंट है। सेक्सी राधा नाचेगी, ऐसे तमाम कितने सारे एग्जांपल दे दूँ, गाने निकलते हैं, वो सब एंटरटेनमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद सरतन से जुदा नारे ये लगाते हैं, बॉम्ब ये फोड़ते हैं, हम हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद भी रामनवमी पे हमारे पत्थरबाजी होती है, बहन बेटियों के साथ हमारे लव जिहाद होता है, कश्मीर से हम हिंदू ही भगाए जाते हैं, फिर भी इनका इस्लाम ही खतरे में आता है। मतलब सफ़र हम कर रहे हैं और ख़तरे में इनका इस्लाम है। मैंने तो नहीं सुना किसी कश्मीरी ने इतना कश्मीरी 5 लाख कश्मीरियों को निकाल दिया गया हो, कश्मीरियों ने सरतन से जुदा के नारे लगा दिए हो, या उन्होंने कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया हो, या उन्होंने कहीं पत्थरबाजी कर दी हो। अरे तुम्हारे पास 57 इस्लामिक देश है फिर भी यही खतरे में आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोपोगेंडा चल रहा है भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का, भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र से रोकने का। तो मैं एक बात बता दूं, ये जो हम हिंदू राष्ट्र बोलते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ संभावना नहीं है, वो एक संकल्प है। तुम्हारे अदनी मदनी पदनी चाहे उनका बाप उनका दादा आ जाए, नहीं रुकने वाला, हिंदू राष्ट्र हम बना के रहेंगे। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तब इस्लाम कंट्री क्यों ना बनाया जाए, उसे गद्दार कैसे? 57 इस्लामिक देश है ना, सेक्युलरिज्म का सिर्फ ये जो गाना गाते हैं वो सिर्फ भारत में ही क्यों गाते हैं? पाकिस्तान तो बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, चाहे आप यमन ले लो, सीरिया ले लो, अरब ले लो, सब वहाँ क्यों सेक्युलरिज्म नहीं है? जहाँ हिंदू मेजोरिटी है वहीं तुम्हें सेक्युलर चाहिए। भारत में हिंदू मेजोरिटी है ना, इसीलिए इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ना कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये आप फ़र्क देख लीजिए। मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जहाँ 100 हिंदू है वहाँ एक मुसलमान अगर घर ले लेना चौड़ से रहता है, अब दो मुसलमान के बीच में एक हिंदू रह के बता दे, मैं उन्हीं दोनों मुसलमानों के बीच में जाके कलमा पढ़ूंगा अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो? नहीं होगा भैया, नहीं होगा। यही भारत है और यही मैं ये सो कॉल्ड सेक्युलर हिजड़ों को बताना चाहता हूँ कि अब जाग जाओ। अगर अब नहीं जागे ना तो जो इनका प्लान है ना इस्लामिक स्टेट बनाने का 20 साल बाद, वो 15 साल में बन जाएगा और तुम सब ये जो चनिया चोली पहन के या जो भी वो घाघरा पहनते पैजामा इतना तक वही पहन के जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे। इसीलिए अब जागने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे अंदर गूदा नहीं है, तुम्हारे अंदर दम नहीं है लड़ने का, खड़े होके बोलने का, तो कम से कम जो बोल रहा है उसका समर्थन करो, उसके बगल में खड़े हो जाओ, तब जाके तुम सुरक्षित बच पाओगे। वरना तुम्हारा अस्तित्व जैसे 57 देशों में मिट गया ना, उसी तरीके से भारत में भी मिट जाएगा।